से मासवड़ी थाली है, राइस भी आएगा सर इसके साथ, इंद्रायणी या जीरा राइस। ऑथेंटिक यहाँ का जो लोकल थाली है पुणे का। हेलो दोस्तों, की हाल चाल, होप सब लोग बहुत अच्छे से हो, खुश हो, मजे में हो। आज मैं हूँ पुणे में यहाँ का एक बहुत ही बेहतरीन खोज लेकर, जहाँ पर खाने के साथ साथ ना आप बच्चों का खेलने का जगह, बहुत बड़ा एक ओपन स्पेस बैठने का, उसके साथ यहाँ पर एसी विला है जहाँ पर आके आप आपके फैमिली के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। ज़्यादा दूर नहीं है पुणे सिटी से, 20-25 किलोमीटर होगा। सारे के सारे बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, पेज को फॉलो करना है, वीडियो को लाइक करना है, और क्या वीडियो में कमेंट करके बताना है कि कैसा लग रहा है पुणे सीरीज का वीडियो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जनाई मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट पुणे। ये जगह काफ़ी बड़ा है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जगह काफ़ी वेल डेकोरेटेड और एम्बियंस काफ़ी बढ़िया है। आप अपने फैमिली के साथ ये पूरा जगह में आके ना बहुत अच्छे से मजा कर सकते हो। यहाँ का वेज सेक्शन अलग है, नॉन वेज सेक्शन अलग है। यदि कोई चाहते हो कि आप लोग सिर्फ वेज खाओगे, तो उसके लिए अलग एक सेक्शन रखा हुआ है। ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये वेज पोर्शन है, देखो पूरा सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, ये नॉन वेज पोर्शन है, इसका पूरा सेपरेट किया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर कितना हाइजीन मेंटेन किया हुआ है। पूरा का पूरा किचन हम आपको दिखाते हैं कितना मेंटेन किया हुआ है, कितना साफ़ सुथरा है। तो वो जो जिन लोगों का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वेज नॉन वेज एक साथ पकाते हैं या नहीं, नहीं सर, एकदम एक साथ नहीं पकाते हैं, यहाँ पर अलग अलग सेपरेटली पकाते हैं। फ्रेश लेमन जूस अब डालेंगे हम, रेड चेरी, मिंट मजीतो सिरप, 60 ml आइस एंड मिंट क्रश लेम, आप डालेंगे 60% सोडा, और 40% स्प्राइट। ये तैयार हो गया हमारा बाजीन मजीतो। इसके अलावा और कितना वैरायटी है मजीतो में? ये है दूसरा डीप ब्लू सी है, सेक्सोंदा बीज है, बाजीन पिनाकोलाडा है, स्ट्रॉबेरी डिलाइट है, पिंक पेंथर है, फ्रूट पंच है, ये हो गया इसका गार्निश। तो सर अल्टीमेटली हमारे पास ऑथेंटिक यहाँ का जो लोकल थाली है पुणे का, वो हमारे पास है। तो क्या क्या चीज़ है सब कुछ जान लेते हैं इसके आइटम्स के बारे में, इसके प्राइसिंग के बारे में। सर मासवड़ी थाली है, ये 300 का है। ओके, यस। एंड थोड़ा क्या क्या आइटम है थोड़ा बताओ ना। ये मासवड़ी का पीसेस है, ये बेसन से बनती है और मसाले आते हैं इसमें। ये शेंदाना चटनी है, एंड कोशिंबीर, गुलाब जामुन, एंड वो ग्रेवी वेज रोटी, रोटी यस, मैदे का रोटी। इसमें चपाती भी खा सकते हैं, भाकरी भी खा सकते हैं, एंड नान भी खा सकते हैं, वो ऑप्शन रहेगा। यस, आपको जो चाहिए। राइस भी आएगा सर इसके साथ, इंद्रायणी या जीरा राइस, दोनों में से कोई भी एक खा सकता है। इसका बताइए। ये मटन थाली है। ओके। अलनी है, अलनी यस, सूप। ओके। कोशिंबीर एंड सुकट, सुकट मतलब झींगा आता है सर, छोटा वाला झींगा, यस। और ये नॉन वेज का ग्रेवी है, रोटी इसके साथ भी आप कोई कौन सी भी रोटी भाकरी खा सकते हैं, एंड राइस भी आएगा। ये काम करो ना मैम, एक राइस भी दे। ये क्या है? रोजाली कबाब। अच्छा, इसमें मतलब चिकन का है? हाँ, चिकन का है, 6 पीसेस आता है, इसमें चीज का स्टफिंग आता है सर, वर्जिन मोजिटो। इसका प्राइस कितना है? 150। 150 यस, इंक्लूडेड GST और सब मिला के? यस सर, सब मिला के ना। यस। वाओ, बहुत ही खूबसूरत, और इसको आप तो देखिए हो कितना इसको इसमें कारीगरी किया गया। सीप लेते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग, गर्मी के मौसम में जब आप आओगे बहुत ही बढ़िया रहेगा। मीठा खट्टा एकदम बराबर है, ज़्यादातर जगह ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये
जगह काफ़ी बड़ा है, कम से कम यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी होना हो 1000 गेस्ट का तो हो गए मेरे हिसाब से। और एकदम नया जगह है, बहुत ही बढ़िया गार्निशिंग के साथ ये स्टार्टर। और देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा आया है, बाण का जो स्ट्रक्चर आया ना एकदम टेम्प्टिंग लाजवाब, बहुत बढ़िया। थोड़ा पास हो भाई, चलिए 1 2 3। ओए होए गजब, अंदर में कुछ स्टाफ किया गया, देखो अंदर में कुछ स्टाफ किया गया, हाँ ऊपर से चीज़ डाला गया और धनिया से गार्निशिंग किया गया। चलो एक फर्स्ट क्लास, एक यू नो लेवल का है, लेवल जैसे सेटअप लेवल का है, कबाब भी लेवल का है। ये थोड़ा किमची सलाद होगा, वाओ लाजवाब। थाली बहुत ही गजब है, इस थाली में ना सबसे बड़ा बात जो फ्रेगनेंस, जो एक एक बहुत ही बढ़िया खुशबू निकल के आ रहा है वो इस चीज़ का। इससे पहले ये आइडियम हम जिंदगी में कभी नहीं खाए, उसका नाम भी नहीं सुने। तो आइडियम देखिए कितना बढ़िया करके इसको गार्निशिंग किया गया, सर्व किया गया। चलिए इसके एक बार बैठ लेते हैं। वाओ, इन वन वर्ड माइंड ब्लोइंग। ये चीज़ भैया खतरनाक है, पूरा फूड ऑथेंटिक यहाँ का लोकल फूड है, महाराष्ट्र का लोकल फूड है, ये चीज़ खतरनाक है। दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, कोई भी बड़ा सिटी में जाओ, ये चीज़ भैया खतरनाक है, ये तो भैया नहीं मिलने वाला है। और वो ऊपर से वेज है, इसको हम और भी गहराई से बोलेंगे ना, ये बहुत ही क्वालिटीफुल खाना है। इंग्रेडिएंट मेरे मुंह में घुल रहा है और हमको समझ में आ रहा है, एक्सीलेंट। पहले तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे खाने का जो अंदाज़ा है ना, खाने का जो तहजीब है ना इस खाने का, मुझे एकदम ही पता नहीं है। तो पहले तो मैं इसको खाया, उसके बाद पता नहीं भाई इसके बाद क्या क्या लेना चाहिए। ये तो हमने खाया, उसके बाद ये रोटी और ये ग्रेवी, ये क्या चीज़ है, चूर है क्या? चूर नहीं है, ये शेंगा चटनी है। ये चटनी है? हाँ, शेंगा की चटनी। अच्छा, ये मूंगफली रहती है ना, मूंगफली। हाँ अच्छा, अभी मराठी लोग जो है ना, हम लोग बोलते हैं बादाम मूंगफली, उसका चटनी बनाते हैं, वो है ये चीज। गजब, अल्टीमेट। चलिए रोटी से जो ग्रेवी है उसको ट्राई करते हैं। ऊपर में देखिए बहुत ढेर सारी चीज़ फ्लोट कर रहा है, कारी पत्ता, धनिया, उसके साथ ये थोड़ा लहसुन होगा, हाँ लहसुन है, बहुत सारी चीज़। तो यहाँ पर ये ग्रेवी बहुत फेमस है, इससे पहले के वीडियो में भी आप देखे हो, ये ग्रेवी का महत्व बहुत है। माइंड ब्लोइंग, फारू रायता कचुंबर, थोड़ा घुमाओ किचन देखो, वेल्ड सेटअप किचन है। और सारे के सारे कुक और एम्प्लॉय जो है, शेफ और सारे के सारे एम्प्लॉय जो है, पूरा वेल्ड ट्रेंड है और क्या है, पूरा प्रोफेशनल है। यहाँ पर आके ना मैं ना थोड़ा शॉक्ड हो गया, इतना परफेक्ट खाना तो सर हो नहीं सकता, कुछ तो है, जादू तो है शेफ के हाथ में, एकदम नया ये जगह है, जादू तो है सर, जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। दरअसल घी राइस है, इसको बोलते हैं इंद्रानी राइस, चलिए इसको थोड़ा स्टिकी है, इसको ऐसे ही ट्राई करते हैं भाई, पास आओ। अच्छा, अरे ये राइस वो राइस है
अपने बंगाल में जब लोकनाथ बाबा का यू नो जन्म तिथि होता है ना, वो जो भोग देता है ना वो थोड़ा स्टिकी रहता है, उसमें घी डाल के सेम चीज़ है अल्टीमेट कॉल। वो क्या है सर? नॉनवेज थाली, मटन, मटन स्पेशल थाली, झींगा है, सूप है, ये काफ़ी यू नो काफ़ी स्पेशल है ये चीज़। इसके साथ साथ ये भी बहुत चलते हैं इधर, मटन है, वो है ग्रेवी और ये जीरा राइस। तो पहले क्या स्टार्ट करेंगे, पहले ना थोड़ा सूप ट्राई करते हैं। ओहो भाई, पापा ही को ये बहुत पसंद आने वाला है। लाजवाब। और एक चीज, मटन वगैरह छोड़ के कोई चीज़ यदि रिपीट लेना चाहते हैं देते हो आप लोग? मानो कि इसका थोड़ा ग्रेवी, सूप, थोड़ा थोड़ा कचुम्बर रिपीट कर दो ना, वो राइस चावल वगैरह सेट है, बाकी यू नो ये सब थोड़ा थोड़ा रिपीट कर सकते हो। चिकन, चिकन गुलाब जामुन रिपीट, वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब ये ग्रेवी, ये अचार और ये कचुम्बर, ये थोड़ा ये सर रिपीट कर दोगे, है ना? चलिए सही बात है। रोटी से फिर भी एक बार इस ग्रेवी को, काफी गहरा है हाँ, ग्रेवी काफी करीब है, बस इसमें कारी पत्ता ज्यादा डाला गया, इसमें थोड़ा कम, ये तो सेम टू सेम है। चलो अभी जो ये चावल है ना, चावल से अपना जो बंगाली स्टाइल है उससे ये छोटा सा जो प्रॉन है जी हाँ उसको टेस्ट करते हैं। हम लोग बंगला में बोलते हैं कुचू चिंगड़ी, उसी का ही ये चीज़ है, उसी का ही आइटम है। ओए होए, पहली बार मैं घी राइस से झींगा खा रहा हूँ, मसाले वाला। आउट ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट क्लास भाई, मराठी फूड इतना टेस्टी, पहले इसका आइडिया नहीं था हमको, हम सोचे क्या है नॉर्मल सा खाना होगा, बहुत ही हमने इसको ना, अभी मैं पूरा फंस गया हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे बोला कि अब मुंबई में क्या मिलेगा, तब तो ऐसे ही है, थोड़ी उतना टेस्टी होगा, लेकिन सर मुंबई पुणे का खाना, स्पेशली पुणे का खाना गजब लेवल का टेस्टी है, गजब लेवल का। मटन के बारी, पहले रोटी से उसके बाद जीरा राइस से। अच्छा, ढेर सारे मटन डाला गया, देखो सर छोटा छोटा पीस करके, कम से कम हो ना हो 250 से 300 ग्राम मटन इधर डाला गया, और इस थाली का दाम 300 से 400 के अंदर है, जो काफ़ी सस्ता है एकदम, मतलब आप मान लो ये एकदम जहन में बिठा लो, काफ़ी सस्ता है। हमारे उधर 500 के नीचे थाली आपको मिलेगा नहीं, वो भी दो पीस मटन। पहले ना थोड़ा ग्रेवी ट्राई करते हैं, भैया दिल खुश हो गया, एक ही बात बोलूँगा मैं, दिल खुश हो गया इधर आके, जितना खाना ट्राई करा बेस्ट मटन। पास आओ, सारे के सारे खाने यूनिक हैं, लेकिन मटन का अपना एक स्वाद है, अपना एक फ्लेवर है, थोड़ा साउथ इंडियन टच है थोड़ा, लेकिन लाजवाब। राइस से खाएंगे मटन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ का जो पूरा डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ चेकआउट करो, फिर टाइम लेकर इधर आओ, बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही मस्त जगह है, खा के आप खुश हो जाओगे। तो अपना जीरा राइस और मटन
महाराष्ट्रियन खाना सर आपके लिए। आउट ऑफ द वर्ल्ड। अपना फैमिली, अपना फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ आओ। बहुत ही स्पेसियस जगह है, बैठ के इस जगह का आनंद उठाओ, खाने का मजा लो। और कुछ नहीं बोलना, बस वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना पड़ेगा। और जो भाई हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज डालना पड़ेगा। चलिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद।